जिला डोडा के ठाठरे कलहोत्रान सड़क कहारा के मुकाम पर एक मिनी बस जेड नंबर JK06A6733 हादसा का शिकार हुई, जिसमें 6 लोगों की वाकया मौत हुई और 4 दिगर शरीर जख्मी हुई हैं। मुकामी तफसीलात के मुताबिक मिनी बस ठाठरा से गंदू की तरफ आ रहे थे कि अचानक कहारा पिकल के मुकाम पर मिनी बस ड्राइवर की काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरे, जिससे पूरे इलाके में कयामत जैसा माहौल पैदा हुआ। इस दौरान सड़क हादसे की खबर फैलते ही मुकामी लोग महकमी पुलिस का अमला और SSB बठिया जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू करते हुए जख्मों लाशों को मैन सड़क पर पहुंचाकर CHC ठाठरे मुंतकिल किया गया। इस दौरान जख्मियों को मजीद इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया और मरने वालों की मरम पट्टी के बाद वारसिन के हवाले किया गया। जख्मियों की शनाख्त काली बैगम जौजा मरहूम मोहम्मद इब्राहिम साकना डिचल नागनी तनवीर हसीन वलत अली हसीन साकना मलत अब्दुल लतीफ वलत मोहम्मद इब्राहिम साकना गली बटोली गुलाम मोहम्मद वलत फतेह मोहम्मद साकना गली बटोली प्रेमचंद वलत सनत राम साकना चराला और मरने वालों की शनाख्त यासर हसीन वलत बशीर अहमद साकना डरहोट शुक्रद्दीन वलत अब्दुल अजीज साकना टंटा काली बैगम जौजा अब्दुल करीम साकना पिकल अंजू दियो जौजे सिनल कुमार साकना चराला शदीशा देवी जौजा मान सिंह साकना शिवा के तौर पर हुई है। इस मौके पर पुलिस ने FIR दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। दशक से रहना सुल्तान के साथ बिलीसा से अकरम मलिक की एक खास रिपोर्ट। तारा की टीम पहुंची तो वहां पे जो दो तीन बंदे थे जिनको मतलब जख्मी थे, एक चाचा जी थे उनको थोड़े से जख्म लगे थे और बाकी जो सीरियस थे अभी तक उनका कोई पता नहीं है। तो बाद में हमने सुना कि जो कंडक्टर है वो कंडक्टर उसने छलांग मारी है, उसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी उनको। आपने कितनी लाशें, 4 जो है डेड बॉडीज चढ़ाई थी हमने और 3 जो है वो मतलब सीरियस थे, लगभग तीनों बंदे जो सीरियस थे। अभी जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो CHC ठाठरी से मिलेगा और जो कंडक्टर है सुनने में आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो CHC ठाठरी में होंगे तो वो आपको आगे की अपडेट देंगे। गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कहाँ की तरफ जा रही थी, जहाँ तक हमारा मानना है 7 से 9 लोग शायद गाड़ी में थे जो हमारी टीम ने अभी तक रेस्क्यू किया। टीम अभी लगी हुई है दरिया पे तो वो रेस्क्यू करते जा रहे हैं। जो जो अपडेट मिलता जाएगा हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। अभी हमारी तो बात उनसे हुई नहीं, जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो हम डायरेक्ट जहां पे एक्सीडेंट हुआ था, हम जो एक्सीडेंट जहां गाड़ी पहुंची थी हम वहां की तरफ चले गए जितनी भी हमारी टीम थी। तो हमने अभी तक कंडक्टर से बात नहीं की, तो जब भी हमें पता चलेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सोसाइटी के अलावा जो पुलिस का क्या रोल रहा थोड़ा सा? यहाँ SSB है और उसके बाद JKP है, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करके सब ने मिल के यूथ कारण है, जब तक ये लोग जमा हुए तब तक हमने लोगों को ऊपर चढ़ाया हुआ था। तो अब रिस्क की बात है, अल्लाह ताला किसको कहाँ तक वो रिस्क रखता है, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस थी और SSB थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और मकामी लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। हम जल्दी इस चीज़ को कवर कर पाए, हम डेड बॉडीज़ को नीचे से ला पाए टाइम पे। अब बाद में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी, जो हमारे तक मतलब जो हमें इस एक्सीडेंट के बारे में पता है तो हमने आपको पूरा उससे बखूबी। देखिए ये लगभग 1 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। एक मेटाडोर जो ठाठरी से चिल्ली की तरफ जा रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ, वो दरिया में गई। अभी तक जो हम डिटेल्स कंपाइल कर पाए हैं उसके हिसाब से जो है 5 लोग डेड हैं, 4 इंजर्ड हैं, जिनको 2 को जो है GMC डोडा रेफ़र किया गया है, जो 2 ठाठरी में है। जिनको GMC डोडा रेफ़र किया है उनको मॉनिटर करके अगर उनको ज़रूरत पड़ी चॉपर का इंतज़ाम हो चुका है और उनको एयरलिफ्ट करके जम्मू लिया जाएगा। बाकी जो है अभी तक हमारी जो है मेटाडोर दरिया के अंदर है, तो हम इसको निकालने के लिए क्रेन जो आ रही, पहले हमारा फोकस था जो लोग दिख रहे थे उनको निकाला, अब हम ये एक बार मेटाडोर जो है इसमें पलटेगी बाहर निकलेगा उसके बाद ही क्लियर होगा कोई और आदमी था कि नहीं। लेकिन जो लोगों का कहना है, ड्राइवर तो नहीं सॉरी कंडक्टर का कहना है, उसके हिसाब से 9 ही सवारियां थी अभी तक की, यही रिपोर्ट है।